इमेजिन करो दोस्तों, क्या होगा अगर देश की सारी औरतें काम करना ही बंद कर दे तो। ऐसा ही कुछ हुआ 24 अक्टूबर 1975 को आइसलैंड के एक छोटे से देश में। आइसलैंड में रहने वाली 90% औरतों ने काम करना ही बंद कर दिया। इसे वुमेन्स डे ऑफ बुलाया जाता है। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था ये आइसलैंड के इतिहास में। 90% औरतें इस दिन ना तो ऑफिस गई, ना इन्होंने घर पर कोई काम किया, ना ही बच्चों की देखभाल करी। इंस्टेड ये सड़कों पर उतर आई जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। इसका नतीजा क्या हुआ, पूरा देश ठप पड़ गया। बहुत से बैंकों को, फैक्ट्रीज को और दुकानों को बंद करना पड़ा उस दिन। और क्योंकि औरतों ने कहा था वो बच्चों का भी ख्याल नहीं रखेंगी, तो जो हस्बैंड्स थे उन्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ा। बहुत से हस्बैंड्स को खाना बनाना ही नहीं आता था। हालांकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक ही दिन चला, लेकिन इसका इंपैक्ट इतना बड़ा था कि सबने रियलाइज किया कि औरतों की क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में। बहुत से नए जेंडर इक्वालिटी के लिए कानून इंप्लीमेंट करेंगे देश में अगले कई दशकों में। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज के दिन दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आइसलैंड दुनिया की नंबर 1 कंट्री है जेंडर इक्वालिटी के मामले में।